everyone, my name is Karima from Current Crunch and आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज. ये हमारा थर्ड टॉपिक है कंप्यूटर्स का. ये ऑलरेडी हम इसका ओवरव्यू काफ़ी कवर कर चुके हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट ट्रेनिंग में, पर हम इसमें थोड़ी सी एग्जाम्पल्स के साथ इसको पढ़ेंगे ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए इसमें से तो हम ईजिली वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ. तो इसमें हमने ये पढ़ा है, इस पूरे मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, उनका कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या सिग्निफिकेंस है. सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस. व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइसेस यूज टू प्रोवाइड, सो इट्स डेफिनेशन इज डिवाइसेस यूज टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू अ कंप्यूटर आर इनपुट डिवाइसेस. सो बेसिकली कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे यूज़र एक्शंस को कैप्चर करके और उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को देती है प्रोसेस करने के लिए, उसको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं. जैसे अगर लेट्स सपोज मैंने कंप्यूटर को कोई कुछ राइट, मुझे कुछ बोल के उसको नोट्स देने हैं जो कि वो मेरे लिए राइट कर दे, तो दैट इज़ कि मैं उसको एक वॉइस सिग्नल दे रही हूँ और जिसको उसको प्रोसेस करना है. तो जिस डिवाइस के थ्रू मैं उसको वो सिग्नल दूंगी, दैट इज़ एन इनपुट डिवाइस. सो बेसिकली ये क्या करता है, ये यूज़र के एक्शंस को डेटा में कन्वर्ट करता है, उस फॉर्म ऑफ डेटा में जिसमें कंप्यूटर्स प्रोसेस कर पाएँ. तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये बात कि कंप्यूटर और हम लोग सेम लैंग्वेज नहीं यूज़ करते. कंप्यूटर फॉर एनीथिंग प्रोसेसेस डेटा इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स. और हमारे पास ऐसे बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमारी और कंप्यूटर की लैंग्वेज सेम करके या उसको ट्रांसलेट करके वो सिग्नल्स कंप्यूटर को देते हैं कि वो उसको प्रोसेस कर पाए. अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं. बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आता है कीबोर्ड. तो कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसके साथ हम लोग टेक्स्ट या कमांड्स टाइप करके कंप्यूटर को देते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग उसको कोई भी चीज़ को सिलेक्ट कर पाते हैं, ऐसे माउस को हिला के कोई कहीं नेविगेट मींस कहीं मूव कर पाते हैं पेजेस के इन बिटवीन. तो ये दोनों इनपुट डिवाइसेस हैं. स्कैनर. स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या कहते हैं कि मुझे ये डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेज दो, तो वो एक पेपर पे लिखा होता है ना, हम उसको स्कैनर में डालते हैं और वो स्कैनर उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना के कंप्यूटर में उसकी सॉफ्ट कॉपी बना देता है. बेसिकली ये हार्ड कॉपीज़ की सॉफ्ट कॉपीज़ बना देता है. तो ये किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, तो ये कंप्यूटर को डेटा देता है प्रोसेस करने के लिए. तो स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोफोन. माइक्रोफोन कैप्चर्स ऑडियो इनपुट. सो लेट्स सपोज अब मैं आपको बोल रही हूँ कुछ, मैं कंप्यूटर को बता रही हूँ ये, और कंप्यूटर इसको अपने प्रोसेस करेगा, सेव करेगा. तो माइक्रोफोन इज ऑल्सो इन कैप्चरिंग एन ऑडियो इनपुट फॉर द कंप्यूटर टू प्रोसेसिंग. सो माइक्रोफोन इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. वेबकैम. वेबकैम अगर हम लोग अपना वेबकैम ऑन करते हैं तो ये हमारी फोटो कैप्चर करके उसको एक सिग्नल में प्रोसेस करके दूसरी जगह उसको सेंड करता है ताकि हम आपस में वीडियो कॉल्स कर पाएँ. तो दैट इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस बिकॉज वेबकैम के थ्रू ये हमारी फ़ोटो लेता है और स्क्रीन के थ्रू ये हमें फ़ोटो किसी और के दिखाता है. तो जो वेबकैम है वो भी एक इनपुट डिवाइस है. दीज आर द वेरी बेसिक इनपुट डिवाइसेस जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब हम उसको कुछ बता रहे हैं. सो गोइंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, this is advanced input devices. So when it comes to advanced input devices are those devices. हम बहुत सारी different devices देख रहे हैं. अभी हमने जो पहले पढ़े वो ये सारे input devices काम एक ही करते हैं कि हमारी information computer को देते हैं process करने के लिए. But हर इनपुट डिवाइस का एक स्पेसिफिक यूज़ और फंक्शनैलिटी है. जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर टाइप कीबोर्ड टाइप करने के लिए है, स्कैनर डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस को डिजिटाइज करने के लिए. उसी तरह हमारे पास और भी कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि टच स्क्रीन. अब हमें कीबोर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. अब हमारे फ़ोन्स में, पहले हमारे फ़ोन में जैसे कीपैड हुआ करता था, अब वो नहीं होता, अब वो टच कीपैड ही होता है. तो दैट मीन्स टच स्क्रीन भी एक ऐसी
डिस्प्ले है जिसके साथ हम कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. स्टाइलस, सो यू हैव सीन दैट मैनी कंप्यूटर्स और मैनी मोबाइल, वॉट इज़ अ मोबाइल, बेसिकली मोबाइल भी एक छोटा मिनी कंप्यूटर ही है, राइट? तो स्टाइलस इज एनीथिंग, कोई भी पेन लाइक डिवाइस जिससे हम लोग, जैसे ये डिवाइस जो मेरे हाथ में है, इट्स ऑल्सो स्टाइलस, जिसके थ्रू मैं इस टच स्क्रीन पर टच करती हूँ, तो इट मेक्स एन इनपुट, लाइक इट शोज मी एन इनपुट. So it gives computer an input. So it's also an input device. Game controllers, जिनके साथ हम games खेलते हैं, तो वो भी gaming input के लिए बने. हम input देते हैं, अगर हम button press करते हैं forward वाला, तो हमारा जो player होता है game में, वो आगे की तरफ move करता है. तो that means we are giving them a signal to perform something. That is also, so game controller is also an input device. Biometric devices. So biometric devices, जिनके through हम लोग फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं, या फिर फेशियल रिकग्निशन, रेटिना स्कैन करते हैं सिक्योरिटी के लिए, ये भी हम उन डिवाइसेस के थ्रू कुछ कैप्चर करके कंप्यूटर को उसकी फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं. इवन अगर आप देखो, जो हमारी ओएमआर शीट्स हैं, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडिंग शीट्स, जैसे आजकल हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें, ऐसे हमें एक ओएमआर शीट मिलती है जिसमें आपको चार ऑप्शंस में से एक के ऊपर कुछ ऐसे बोल्ड करके मार्क करना होता है, तो हमारा आंसर रिकॉर्ड हो जाता है, ताकि हमारी शीट्स कौन चेक कर सके, कंप्यूटर. तो दैट मींस वो ओएमआर डिवाइसेस जो होते हैं, जिनके थ्रू ये चेक होती है, मतलब मैं शीट को उस ओएमआर डिवाइस में डालती हूँ, तो ओएमआर डिवाइस इस शीट को डिजिटाइज करके कंप्यूटर को देता है. तो ओएमआर डिवाइसेस आर ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस. सो लेट्स मूव टू व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस, वो सारे डिवाइसेस दैट रिसीव एंड डिस्प्ले और प्रोड्यूस डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर. मतलब पहले जैसे हम कंप्यूटर को देते थे डेटा, वैसे ही अब कंप्यूटर हमें कुछ वापस दे रहा है, कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ भी. वो जिस फॉर्म में हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन वापस दे रहा है किसी भी डिवाइस की हेल्प से, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं. Input devices are devices that use to communicate the results of data processing to the user. Let's suppose मैंने इसको कीबोर्ड पे 2+2 लिख करके बताया कि 2+2, तो इसने मुझे जो 4 आंसर देना है वो इसने स्क्रीन, या फिर अगर स्पीकर की फॉर्म में, या जिस भी फॉर्म में ये मेरे को आंसर वापस करेगा, दैट इज़ एन आउटपुट डिवाइस. तो ये जो डिजिटल डेटा होता है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो भी प्रोसेसिंग करता है वो डिजिटल डेटा की फॉर्म में प्रोसेसिंग करता है, दैट इज सिग्नल्स. हम सिग्नल्स तो नहीं पढ़ सकते, तो वो सिग्नल्स को ट्रांसलेट करके हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो डेटा मिलता है, जो वो डिवाइसेस का काम है, उनको आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं. अब हमारा मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइसेस है, बिकॉज इट डिस्प्लेज विजुअल आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फिजिकल कॉपीज ऑफ द डिजिटल डॉक्यूमेंट. तो जैसे स्कैनर क्या करता है, स्कैनर में हम लोग कोई फिजिकल कॉपी डालते हैं और वो उसको सॉफ्ट कॉपी बना देता है. सॉफ्ट कॉपी मतलब कंप्यूटर कॉपी बना देता है. वैसे ही प्रिंटर क्या करता है, हमारी जो कंप्यूटर कॉपी होती है उसको फिजिकल कॉपी बना देता है. सो प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस. स्पीकर, अब जैसे माइक्रोफोन से हम बोल के इसको कुछ बताते हैं, तो स्पीकर से ये बोल के हमको कुछ बताता है. सो इट गिव्स अस एन आउटपुट ऑडियो सिग्नल. प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस, बिकॉज इट डिस्प्लेज आउटपुट ऑन अ लार्ज स्क्रीन. सो समटाइम्स वी हैव अ स्मॉल स्क्रीन और उस पर हम कुछ चलाते हैं, तो फिर हम उसको प्रोजेक्टर के साथ जब कनेक्ट करते हैं, तो वो उसका आउटपुट बड़ी स्क्रीन पर डाल देता है. सो प्रोजेक्टर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस. नेक्स्ट इज एडवांस्ड आउटपुट डिवाइसेस. यू माइट हैव हर्ड कि आजकल हमारे पास 3D प्रिंटर्स आ गए हैं. 3D प्रिंटर्स का मतलब है कि हम जैसे प्रिंटर, पहले हमारे जो प्रिंटर्स होते थे जो पेपर पर सिर्फ रिटन फॉर्म में कुछ प्रिंट करके आउटपुट देते थे, अब हमारे पास 3D प्रिंटर्स भी हैं कि हम कंप्यूटर में कुछ 3-dimensional ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं. लेट्स सपोज अगर मैं कंप्यूटर में एक बॉल बनाती हूँ ऐसी, और मैं इसको बोलती हूँ कि मुझे ये वाला बॉल प्रिंट, मतलब प्रिंट पेपर पे नहीं चाहिए, बट मुझे एक्चुअली में ये बॉल ही चाहिए, तो हमारे पास एक ऐसे 3D प्रिंटर्स हैं जो कि मेरे लिए बॉल बना देंगे. वो उनके अंदर ऐसी, वो ऐसी मशीनरी से इक्विप्ड हैं, उनके अंदर इतना ऐसा फैब्रिक होता है जिसके थ्रू वो ये वाली बॉल को डिवाइस कर देंगे. सो 3D प्रिंटर इज़ एन एडवांस्ड आउटपुट डिवाइस.
नेक्स्ट इज VR हेडसेट्स. सो VR हेडसेट्स जो आपने देखा होगा, ये ऑक्यूलर्स जो आप आंखों पे डाल के आपको लगता है कि वैसी सी दुनिया हो गई है, तो दोज आर ऑल्सो जो हमें इमर्सिव विजुअल और ऑडियो आउटपुट देते हैं वर्चुअल रियालिटी एक्सपीरियंसेस के लिए, दोज आर ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस. हैप्टिक फीडबैक डिवाइसेस, दे प्रोवाइड अस टैक्टाइल फीडबैक. सो टैक्टाइल फीडबैक इज समथिंग दैट वी कैन टच, सो दैट इज हैप्टिक फीडबैक डिवाइसेस. सो दीज आर थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ एडवांस्ड आउटपुट डिवाइसेस. Now we have something called combination devices. So what are combination devices? Combination devices are those devices जो कि हमें input, जो as a input device भी use होते हैं और output device भी use होते हैं. For example, touch screen. जो touch screen है वो हमें, it is both input, like we give them input by touching, and then they also give us display output, all in one screen. जैसे जो हमारे, जैसे जिसका आप iPad कह लो, iPad की जो स्क्रीन है, या फिर कोई भी टच मॉनिटर की जो स्क्रीन है, बेसिकली टच स्क्रीन, दे आर बोथ आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस, बिकॉज दे शो अस डेटा बट दे ऑल्सो रिसीव डेटा फ्रॉम अस ऑन फ्रॉम द सेम डिवाइस. तो हमें एक ही डिवाइस से हम उसको इनपुट देते भी हैं और वो हमें उसी सेम डिवाइस से आउटपुट देता है. तो यू हैव टू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट इज ऑल इन वन प्रिंटर्स. सो ऑल इन वन प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिसमें आप एक ही प्रिंटर खरीद के लाते हो, बट उसमें प्रिंटर भी होता है, उसमें स्कैनर भी होता है, उसमें फैक्स मशीन भी होती है, उसमें कॉपियर भी होता है, मतलब वो जेरोक्स भी कर देता है. सो दोज आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, क्योंकि उसमें से हम स्कैनिंग भी कर सकते हैं, मतलब हम डेटा उसको कोई पेपर कॉपी दें जो कि वो डिजिटाइज करके कंप्यूटर फॉर्म में ला सकता है, और वो कंप्यूटर फॉर्म से हमें भी डेटा दे सकता है, दैट इज प्रिंटर. सो बोथ ऑफ दीज आर लाइक कॉम्बिनेशन डिवाइसेस. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस इन कंप्यूटिंग. हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. बेसिकली ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, ये हमारा एक टू वे कम्युनिकेशन, मतलब दे फैसिलिटेट अ टू वे कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर, मतलब हम उन बिटवीन यूजर एंड अ कंप्यूटर, मतलब अगर मैं एक यूजर हूँ और कंप्यूटर है, हम दोनों ने आपस में कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, तो ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही हमारी फैसिलिटेट करेंगे हमें कि हम ये सारा काम कर सकें. So it facilitates the input of data and reception of results. It enhances user experience and accessibility. So these are the three benefits, and that's all about input and output devices. Now we can discuss some MCQs. So for example, first is, which of the following is an input device? Monitor, printer, keyboard or speaker? सो कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस. मैं ये एम सी क्यूज़ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी, सो दैट यू कैन हैव अ लुक. विच डिवाइस इज़ यूज टू कैप्चर वीडियो इनपुट? तो वीडियो इनपुट वेबकैम के थ्रू कैप्चर होती है. कौन सा डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टच स्क्रीन, स्पीकर. सो टच स्क्रीन, क्योंकि टच स्क्रीन हमें डेटा डिस्प्ले भी करता है और हमारा उसी सेम स्क्रीन से डेटा इनपुट भी हो जाता है बाई टचिंग इट. 3D प्रिंटर किस टाइप का डिवाइस है? सो 3D प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, वो हमें आउटपुट देता है.